हम लड़कों के लिए एक्चुअली एक बहुत बुरी खबर है। 1996 से अभी तक जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो कॉन्स्टेंटली ड्रॉप हो रहे हैं यंग लड़कों में। लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, मिलियंस ऑफ मेन हु सफर फ्रॉम लो टेस्टोस्टेरोन, और सबसे वर्स्ट चीज ये जो मेल हार्मोन है ना ये हर साल 1% ड्रॉप हो रहा है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 25 साल के हो और आपका जो जन्म है वो हुआ था 1998 में, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो 15% कम होने वाला है उससे जो 1983 में बॉर्न हुआ था और जब वो 25 साल का हुआ था। और अगर आप ये सोच रहे हो ना कि टेस्टोस्टेरोन अगर लो हो भी गया तो क्या ही हो जाएगा, तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपकी बॉडी के आरबीसी से लेकर जो स्पर्म होता है ना, आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ से लेकर आपकी मेंटल हेल्थ तक सब चीजों में टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एटलीस्ट ये एग्जामिन कर लेते कि क्या आपको टेस्टोस्टेरोन की कमी है भी या नहीं। देखो, सिंपल तरीका तो ये है कि आप ब्लड टेस्ट जाके करवा लो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उसके सिम्टम से देखना है ना, तो सबसे पहला सिम्टम आता है लो सेक्स ड्राइव, दूसरा आता है आपका जो मसल मास है ना ये रिड्यूस होता जा रहा है, तीसरा इसका जो सिम्टम आता है वो आता है कि आपको बहुत ज्यादा थकान होती है, आप बहुत डिप्रेस रहते हो, चौथा इसका आता है कि आपकी जो बॉडी ग्रोथ है ना, जो हेयर ग्रोथ है वो बहुत कम हो चुकी है, पांचवा आता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब आपका थोड़ी देर खड़ा रहता है फिर वापस से, छठी चीज आती है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, मतलब आप कुछ करने जाते हो उससे पहले ही बह जाता है, सातवीं चीज आती है मूड स्विंग, और आठवीं चीज आती है आपकी जो सीमन है ना, आसान भाषा में जब आप करते हो उसके बाद जो व्हाइट कलर का निकलता है ना उसका जो वॉल्यूम है ना वो कम हो जाता है। तो अगर आपको इन सब में से कोई तीन चीजें भी अगर एक साथ हो रही है ना, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए क्योंकि आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो कहीं ना कहीं शायद ड्रॉप हुआ होगा। लेकिन टेंशन मत लो, आज का ये जो वीडियो है ना ये साइंस बेस्ड होने वाला है। आपके भाई ने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की, उसके बाद मैंने ढूंढे हैं कुछ तरीके जिससे आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली इंक्रीज कर सकते हो। टिप नंबर 1, आपको अगले 14 दिनों तक नहीं करना है। एक मेडिकल रिसर्च हुई थी और ये पूरा आर्टिकल आपको मेडिकल न्यूज़ टुडे पे मिल जाएगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल को इन्होंने पहले मास्टरबेशन करवाया, उसके बाद इनका टेस्टोस्टेरोन काउंट किया, तो ये जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन आया वही था। उसके बाद में इन लोगों ने क्या किया कि इन्हें कहा कि आने वाले 3 दिनों तक आपको मास्टरबेट या फिर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करनी है, तो उन्होंने वैसा ही किया। लेकिन इसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन का स्पाइक था ना वो ऐसे मामूली सा बड़ा था, 1-2%, ज्यादा कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया था। लेकिन 7 दिन के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने मिला था। और अगर मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, तो नोफैप ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, बिकॉज मैं क्या था, पॉर्न और मास्टरबेशन में एडिक्टेड हो चुका था। मैं रोज पॉर्न देख रहा था, मास्टरबेट किए बिना नींद नहीं आ रही थी, और ये जो चीज है ना ये मेरी बॉडी हेल्थ के लिए बहुत बुरी थी। उस वक्त ये नोफैप ने मेरी बहुत हेल्प की थी इस पूरी चीज में से बाहर आने में। लेकिन यहाँ पे जो चीज आती है वो ये है कि आपका जो क्यों है ना, आप क्यों करना चाहते हो, ये क्यों आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। जितना मजबूत आपका क्यों होगा ना, उतना ही ज्यादा इजी आपके लिए 14 डेज का टास्क हो जाएगा। जब भी आपको लगे ना कि आपको क्विट करना है, उस वक्त बस यही सोचना कि आपने ये क्यों शुरू किया था। टिप नंबर 2, आउटडोर स्पोर्ट। अब इस बात में कोई भी शक नहीं है कि जो एथलीट है ना इनका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा हाई रहता है, फिर चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो फुटबॉलर हो, चाहे वो एमएमए फाइटर हो, या कोई भी एथलीट हो। और रिसर्च में तो ये भी पाया गया कि जो लड़का कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट में रहता है ना, या फिर कोई भी ऐसा गेम खेल रहा है जो कॉम्पिटिटिव है, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा हाई रहता है। अब इसके मल्टीपल रीजन भी है, क्योंकि वो अपनी डाइट पे भी फोकस कर रहा होगा, वो अपने स्लीप एनवायरमेंट पे भी फोकस कर रहा होगा, उसका ध्यान अपने न्यूट्रिशन पे भी होगा, हर एक चीज पे ध्यान दिया होगा। लेकिन हम तो एथलीट नहीं है, हम कोई कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में भी नहीं है, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना वो स्पाइक करे। तो सबसे बेस्ट तरीका है 8 से 9 बजे की जो धूप होती है ना, इसके अंदर आप कोई एक्टिविटी करना शुरू कर दो बाहर जाके। अब वो कुछ भी हो सकती है, आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, जो करना है करो, लेकिन आपको 8 से 9 बजे की जो धूप है ना उसके अंदर ये चीज करनी है। और ये जो सनलाइट है ना, इसका भी काफी इंपैक्ट पड़ता है हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे। सनलाइट आपको देता है विटामिन डी, जब विटामिन डी इंक्रीज होता है ये आपकी बॉडी के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ना उसे भी इंक्रीज करता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन ने एक शानदार रिसर्च किया था और ये निकल के आया कि जो आपका लीवर है ना ये विटामिन डी को प्रोसेस करता है, और उसके बाद में ये जो आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन होता है ना उसे फ्री टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जो आपकी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। अगर एक्टिविटीज की बात करें तो रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप फिर भी उच्च दर्जे के आलसी हो ना, तो आप एटलीस्ट एक चीज कर सकते हो, वो है धूप में बैठना 8 से 9 बजे के बीच में। टिप नंबर 3, शिलाजीत। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर एक रिसर्च हुई थी, उसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को 90 डेज तक शिलाजीत दिया गया और दूसरे ग्रुप को उन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। जब 90 डेज के बाद
रिपोर्ट करवाई, ब्लड रिपोर्ट करवाई, उसके बाद ये निकल के आया कि जिसने शिलाजीत लिया था ना, उसका फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन दोनों इंक्रीज हुआ था। और ये तो हो गई मॉडर्न साइंस, लेकिन आयुर्वेदा के अंदर 5000 साल से भी पुरानी चीज है ये। और जो प्योर फॉर्म ऑफ शिलाजीत है ना, ये आपको मिलता है हिमालय की पहाड़ों में। अब ये शिलाजीत नाम पता है इसको कैसे मिला? बहुत अमेजिंग स्टोरी है। सो बेसिकली क्या होता है, जो गोल्ड होता है और जो मिनरल्स होते हैं ना, ये जब माउंटेन के अंदर होते हैं और जब सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, उस हीट के साथ ये जब रिलेट करते हैं, जब उसके साथ कांटेक्ट में आते हैं, उसके बाद ये जो चीज निकलती है ना, उसे कहते हैं शिलाजीत। अब आप ये प्योर शिलाजीत लेने हिमालय तो जाओगे नहीं, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? आप यूज कर सकते हो सेसा हिमालयन शिलाजीत। इसे बनाया गया है शोधना मेथड से। ये रसा शास्त्र की एक मेथड है जिसे यूज किया जाता है डिटॉक्सिफाई करने को, प्यूरिफाई करने को, या फिर जो रॉ मटेरियल होता है ना उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में। मतलब ये जो शिलाजीत है ना, ये आपकी बॉडी के ऊपर कुछ ज्यादा ही बेस्ट वर्क करेगा। इसके साथ इसमें हाई परसेंटेज ऑफ फुल्विक एसिड है, वो भी 60% से ज्यादा। ये जो टार लाइक स्टिकी सब्सटेंस है ना, इसी को फुल्विक एसिड कहते हैं। और सिंपल हिसाब है, जितना ज्यादा फुल्विक एसिड उतना ही ज्यादा बेस्ट आपका शिलाजीत। ये आपकी स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मेंटल हेल्थ तो इंप्रूव करता ही है, लेकिन साथ ही में ना ये आपके लुक्स को भी इंप्रूव करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, साथ ही में इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है। इसे कंज्यूम करना सुपर इजी है, बस आपको एक पी साइज अमाउंट में इसे लेना है और 100 ml ल्यूकवॉर्म मिल्क है ना, उसके अंदर इसे मिक्स करके आपको पी लेना है। और हो सके तो दिन में 2 बार ये करना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और अभी चल रही है सर्दियां, सर्दियों में अगर आप चाहते हो ना आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत नेक्स्ट लेवल पे इंक्रीज हो, तो इसे आज से ही अपनी डाइट में ऐड कर लो। इसे परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यूज कूपन कोड MB50 गेट एक्स्ट्रा 15% ऑफ ऑन सेसास वेबसाइट। और एक और चीज, जब आप इसे परचेज करते हो ना, आपको इस टाइप का एक लैब सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिससे आप श्योर हो सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो टोटली ओरिजिनल है। टिप नंबर 4, ऐड ओमेगा 3 एंड विटामिन डी इन योर डाइट। अब देखो, विटामिन डी के बारे में तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि ये आपको धूप से मिलता है, सनलाइट से मिलता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे है ना जिनको ये सनलाइट से उतना नहीं मिल पाता, तो उस केस में आपको इसका सप्लीमेंट ले लेना चाहिए। जैसे मैं भी पर्सनली अगर मेरी बात करूं तो मैं विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लेता हूं, वीक में एक बार आपको इसे लेना होता है, और किसी भी फैट सोर्स के साथ आप इसे ले सकते हो। जैसे मैं पर्सनली इसे पनीर खाने के बाद इसे कंज्यूम करता हूं। दूसरी चीज आती है ओमेगा 3। अब यहां पे ना 2 ग्रुप के लोग आते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि जब आप ओमेगा 3 लेते हो ना, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसका टेस्टोस्टेरोन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं अगर मेरी पर्सनल बात आपसे शेयर करूं, तो मुझे ये लगता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है ना, आपकी बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, और जब एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है ना, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे जाता है। लेकिन जब आप ओमेगा 3 को कंज्यूम करते हो ना, ये आपकी बॉडी की जो इन्फ्लेमेशन है उसे रिड्यूस करता है। जब इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, कॉर्टिसोल रिड्यूस होगा, तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है, जो स्ट्रेस अगर कम हो जाएगा, तो आपका टेस्टोस्टेरोन है ये डेफिनेटली बूस्ट होने वाला है। और एक और चीज, अगर आप इसे साइड में भी रख दो ना टेस्टोस्टेरोन को, तो ओमेगा 3 आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। अगर आप जिम जाते हो तो डेफिनेटली आपको इसे कंज्यूम करना चाहिए। नंबर 5, आप वीक में 2 बार लेग्स वर्कआउट करना शुरू कर दो। अब देखो, हमेशा आपने ये चीज सुनी होगी ना कि भाई लेग वर्कआउट कभी भी स्किप मत करो। उसके पीछे एक सॉलिड रीजन ये है कि जब आप लेग वर्कआउट करते हो ना, ये आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है ना, तो आपकी ओवरऑल जो ग्रोथ है ना, बॉडी ग्रोथ, वो बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हो ना, आपको 3 बहुत बड़े फायदे मिलते हैं। सबसे पहला, बॉडी बैलेंस में दिखती है, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऐसे और नीचे कुछ भी नहीं। दूसरी चीज आपको मिलती है टेस्टोस्टेरोन, और तीसरी चीज आपका जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है ना, वो बूस्ट हो जाता है। जब आप लेग्स वर्कआउट करते हो ना, तब लार्ज अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है आपकी बॉडी के अंदर। आपका जो टेस्टोस्टेरोन ना, वो आपके टेस्टिकल्स के अंदर बनता है, और जब आप लेग्स का वर्कआउट करते हो ना, ये इसे स्टिम्युलेट करता है टू प्रोड्यूस मोर टेस्टोस्टेरोन। स्क्वाट्स और लंजेस, ये दोनों ऐसी वर्कआउट है ना जो आपको डेफिनेटली अपने वर्कआउट रूटीन में ऐड करनी चाहिए। ऑल्सो एक और चीज, वीक में 2 बार आपको ट्रेन करना है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आपकी बॉडी के लिए जो सूट हो रहा है ना, वही करना। ऐसा ना हो कि वीक में 2 बार आपके लिए ओवर हो जाए। तो मेरे लिए ओवर नहीं हो रहा है, तो मैं मेरे हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेकिन 2 बार वीक में ठीक है, कर सकते हो। टिप नंबर 6, बुक्स। जब आप स्ट्रेस आउट रहते हो ना काफी लंबे टाइम तक, तब क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं लार्ज अमाउंट में, और जब ये लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं ना, तब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे ही जाने वाला है। तो इस केस में सबसे बेस्ट चीज ये रहती है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर लो। जैसे ही आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करोगे, आपका टेस्टोस्टेरोन वापस ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज ये समझो, स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है। योगा बेस्ट है, मेडिटेशन बेस्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ना ये चीज बोरिंग लगती है। 1-2 दिन करते हैं, उसके बाद लगता है यार कितना करे ये। और इस वक्त सबसे बेस्ट चीज आती है किताबें। थोड़ा सा ना अपना माइंड अभी यहाँ पे ही रखना, मैं आपको जो कहने वाला हूँ
जब आप बुक पढ़ते हो ना, तब आप अपनी बाहरी दुनिया को भूल जाते हो, आप बुक के अंदर घुस जाते हो। जब आप बुक के अंदर घुस जाते हो ना, तब आपकी लाइफ में बाहर क्या स्ट्रेस चल रहा है, आप कुछ देर के लिए उससे आजाद हो जाते हो, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है। जो मसल टेंशन थे ना, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और इसकी वजह से जो स्ट्रेस है ना, ये धीरे धीरे करके कम होने लगता है। 2009 की एक स्टडी के अकॉर्डिंग बुक पढ़ने से आपका जो स्ट्रेस है ना, वो 68% रिड्यूस हो सकता है। देखो, बुक्स डायरेक्टली आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज नहीं करने वाले, लेकिन बुक्स जो स्ट्रेस को रोकेंगे ना, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने वाला है। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के शेयर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसके अलावा हमने कुछ और भी वीडियोस बनाए हैं स्किन केयर पे, हेयर केयर पे, वो वीडियो भी चेकआउट जरूर करना। लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे।